सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स स्वागत है आप सबका वापस से पीएमआईएस की जो एक जोरों शोरों की धुरंधर जो एक जंग चल रही है उसके अंदर एंड मेरे साथ इस बार लाइव क्राफ्ट के कुछ प्लेयर्स होंगे। अब इस टीम का नाम हमने पहले सुन रखा है, बहुत अच्छे तरीके से इस टीम के प्लेयर्स ने अपने गेम प्लेस दिखाए हैं, तो मैं रोशन शर्मा इनसे बातें करूंगा, जानूंगा कि क्या इस टीम के माइंड में अभी चल रहा है करंटली जो पीएमआईएस के लिए इनकी कॉम्पिटिशन चल रही है एंड जानेंगे कि इनके अप्स एंड डाउन्स गुड्स एंड बैड्स क्या क्या चीजें रहती हैं। सो बॉयज why don't you guys just start by introducing yourselves one by one. Hi, my name is Ravi Kumar, my in-game name is Elcraft Sinu aur meri game mein role hai, main in-game role my assaulter aur meri favorite gun hai M416 and AKM because M416 spray acha karti hai aur close range ke liye AKM se better mere ko koi gun lagti nahi hai. मेरा नाम राज नाइक है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा इन गेम नेम जीरो वाइप है और मेरी फेवरेट गन M416 और AKM है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित मदनावत एंड माय इन गेम नेम इज लाइफक्राफ्ट शिनचेन एंड माय रोल इन माय टीम इज सपोर्ट एंड फिल्टर एंड माय फेवरेट गन इज कार 98 एंड M416। हेलो मायसेल्फ मयंक चौधरी, माय इन गेम नेम इज एलक्राफ्ट मयंक एंड माय रोल इन द टीम इज आई एम द आईजी ऑफ द टीम एंड माय फेवरेट गन इज DP228। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये टीम बनी कितने टाइम पहले, क्या क्या इस टीम ने यू नो अप्स एंड डाउन्स देखे एंड कितने टाइम से आप लोग इकट्ठा ग्राइंड कर रहे हैं सब लोग। तो हमने पीएमआईएस के लिए सोचा था कि मतलब 2 महीने पहले ही हमने एक टीम बना ली थी अपनी, तब हम R2A के नाम से खेलते थे। तो एकदम से हमें मतलब लाइफक्राफ्ट के जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि लाइफक्राफ्ट से आप खेलिए, तो हमने पीएमआईएस के लिए लाइफक्राफ्ट को चुना और फिर हम खेले, अच्छा खेल रहे हैं। सीनू मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था टीम के द्वारा, अगर था तो किस तरीके से था? सर हमें एक बूस्टर इस तरीके से मिला, जब हम पीएमआईएस का पहला मैच खेल रहे थे काफी ज्यादा नर्वस थे, तो हमारा फर्स्ट मैच रेंगल था, तो मयंक ने पहले मैच में स्टार्टिंग में 1v3 निकाल दिया, वहां पे हमारी टीम को काफी अच्छा बूस्टर मिला कि अगर मयंक 1v3 निकाल सकता है तो हम भी इजी मार सकते हैं। तो उसके बाद सर हमने एक और टीम को पूरा वाइप कर दिया, तो इस तरीके से हमें बूस्टर मिलता गया और हम आगे आगे बढ़ते गए। ऐसे हमने सेनोक में एक चिकन डिनर निकाला सर, ये इसी तरीके की मोटिवेशन ही हमें बूस्ट करती है। आपकी टीम जो टॉप टियर टीम्स है, टॉप टियर टीम्स के साथ खेलने में एक प्रेशर सिचुएशन होती है, उस प्रेशर सिचुएशन को कैसे देखती है आपकी टीम? प्रेशर सिचुएशन को नॉर्मली मतलब लगता तो है जब बड़ी टीमों के सामने खेलते हैं तो प्रेशर तो आता है ऑब्वियसली, लेकिन हम कोशिश करते हैं उस प्रेशर को ना ही लें। अब नॉर्मल कस्टम्स में प्रेशर आएगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं उनके साथ, तो लगता है कि हाँ ये हमें मार देगी वो मार देगी, तो फिर अब डेली अगर डेली वाइज कस्टम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर लगेगा नॉर्मल, एक नॉर्मल क्लासिक फीलिंग आ जाती है। आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी टीम जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया आपके अकॉर्डिंग, जो अननोन टीम थी अभी तक पीएमआईएस से पहले जिसको कोई नहीं जानता था, बिकॉज हमें ऑरेंज रॉक पता, हमें फनेटिक पता, हमें टीएसएम एंटिटी पता, मेगा स्टार सिनर्जी आईएनडी सब पता है, बट कोई ऐसा नाम जो यहीं से एकदम से निकल कर आया हो? आई थिंक डार्क टेंजेंट एंड थैनोस फॉर द विन टीम, ही इज अ गुड असॉल्टिंग टीम। तो अपनी टीम को आप अभी तक जितना आगे लेकर आए हैं, आपके बहुत सारे फैंस बनकर निकलेंगे, बहुत सारा आपको सपोर्ट मिलेगा, तो उन फैंस के लिए कोई मैसेज है आपके माइंड में तो वो मैसेज जरूर बताइए। हमारी बस यही है कि सेमीफाइनल्स में हमको सपोर्ट करना जिससे कि हम फाइनल्स में अच्छा करें। तो गाइस ये थी लाइफक्राफ्ट ईस्पोर्ट्स के साथ सारी की सारी बातें, हमने इनके गुड्स बैड्स अग्लीज एंड क्रेजीज जाने, जाना कि क्या क्या चीजें इनको आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या इनकी मेंटेलिटी रहेगी पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। So I just wish you all the best for all the future endeavors and maybe PMIs के अंदर आप एक one of the strongest teams हमें emerge होते हुए दिखेंगे जिसमें competition आगे जाएगा। So for all those things and for everything I can just say one thing and that's going to be let's go.